रुद्रप्रयाग के उत्तरसू गांव के ग्रामीणों के साथ मजाक को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लंबे संघर्षों के बाद जिस सड़क का इंतजार ग्रामीण पिछले 20 सालों से कर रहे थे, उस सड़क पर निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन वो उत्तरसू गांव को जोड़ने की बजाय गांव से 2 किलोमीटर ऊपर से बनाई जा रही है। अब ऐसे में ग्रामीण खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देश आजादी के 70 साल बाद और उत्तराखंड राज्य बने 20 साल का समय हो गया, लेकिन आज भी कई गाँव ऐसे हैं जो सड़कों से महरूम हैं और लगातार लंबे समय से ग्रामीण सड़कों की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग को अभी भी अनसुना किया जा रहा है। सर, ये दुर्भाग्य हमारे लिए, हमारे इस जिले के लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए या फिर इस पूरे हमारे जो भारत देश है, इसके लिए दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम जयसवाल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो कार्यक्रम चलाया जाए, इसके तहत प्रत्येक गाँव को रोड से जाने जाने का जो प्रावधान है कि हर गाँव जो है रोड से जोड़ा जाए। इस दिन बच्चों की यहाँ पे मजबूरी है कि ये रोज सुबह उठ के इनको 7 बजे के स्कूल में 4 बजे अपने घर से चलना पड़ता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि एक लंबे संघर्षों के बाद एक सड़क स्वीकृत होती है, और विडंबना देखिए कि जिस गांव को सबसे ज्यादा आवश्यकता सड़क की थी उसी को छोड़ दिया गया है। ये आखिर कमियां कहां रही है? दरअसल अगस्तमुनि विकासखंड के उत्तरसू के ग्रामीण आज भी सड़क के अभाव में 8 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद अब सड़क का निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन पीएमजीएसवाई विभाग के द्वारा उत्तरसू गांव को छोड़कर सड़क का अलाइनमेंट गांव से 2 किलोमीटर ऊपर कर दिया गया, जिससे ग्रामीण यहां पर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं तो वहीं आक्रोशित भी है। हमें सुबह 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। सुबह हम जंगल के रास्ते से जाते हैं, वहाँ हमें रास्ते में सुअर भी कभी कभी मिलते हैं, और हमारी कभी कभी क्लास भी छूटती है। और हम तो बहुत देखा चो राशन पानी डोना भी, हम तो बहुत दूर पद बाजार, हम के तो चौपड़ा जाने के तो चौपता जाए, हम तो माचे से भी चौपड़ा चौपता जा रहा है। वही आक्रोशित ग्रामीणों की इस मांग पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि जो अलाइनमेंट स्वीकृत हो गया है उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन जिला योजना में ग्रामीणों को लिंक मोटर मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसमें देखिए, उत्तरसू गांव है, ये हमारे पीएमजीएसवाई की एक रोड है जिससे कि उत्तरसू गांव से होते हुए गुजर रही है। ग्रामीणों की ये मांग है कि सड़क को गांव से होते हुए लाया जाए, लेकिन जब पूर्व वर्षों में इसका अलाइनमेंट स्वीकृत हुआ होगा और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की कार्यवाही हुई होगी, तो उस समय गांव से सड़क नहीं पास हुई थी, और उस समय गांव वालों द्वारा अगर विभागीय अधिकारियों से ये बात कही होती तो हो सकता है उनके गाँव से होकर के सड़क आती, लेकिन इस स्थिति में पीएमजीएसवाई के सड़क के अलाइनमेंट को चेंज करना संभव नहीं होगा। लेकिन यदि गांव वालों को सड़क से दूरी ज्यादा पड़ेगी तो हम लोग जिला योजना में उनको लिंक रोड से लाभान्वित कर सकते हैं। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से हर गांव को जोड़ना इस राज्य की मूल अवधारणा में था, लेकिन उत्तरसू गांव को राज्य बनने के 19 सालों के बाद भी सड़क नसीब नहीं हो पाई। अब ऐसे में ग्रामीण भी प्रदर्शन करते करते थक चुके हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।